देख रहे हैं रामकन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर गुरुवार को प्रतापपुरा चौराहे पर दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें विद्युत पोल भरकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से पोल के नीचे दबने से दोनों जवानों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दो लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर विद्युत पोल के बीच फंसे चारों लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। हादसा होने के बाद लोगों ने एम्बुलेंस और सरवाड़ पुलिस को सूचना दी, लेकिन 40 मिनट तक कोई नहीं आया, जिसके चलते लोगों में गहरा आक्रोश देखा गया। स्थानीय लोगों ने अपने संसाधनों से मृतक और घायलों को केकड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं दोनों मृतकों के शव अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिए हैं, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। घटना के सरवाड़ एवं आसपास के गांवों के लोगों की भारी भीड़ अस्पताल में एकत्रित हो गई। सरवाड़ विद्युत विभाग से ठेकेदार के आदमी विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर भरकर सापंदा खेत पर विद्युत कनेक्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर प्रतापपुरा चौराहे के निकट ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाइयों में कूद गया, जिसके चलते भीषण सड़क हादसा हो गया और ट्रैक्टर में बैठे चार लोग विद्युत पोलों के बीच फंस गए। हादसे के बाद एक नौजवान ने ट्रैक्टर से कूद कर जान बचा ली, वहीं तीन लोग फंस गए। हादसा होते ही स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस 108 को कॉल किया और सरवड़ थाना पुलिस को भी घटना की सूचना दी। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ उमड़ गई और लोगों ने सामूहिक प्रयास कर बड़ी मशक्कत के बाद विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर को हटाते हुए तीनों लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान दो नौजवानों के शरीर एवं मुंह पर गंभीर चोटें लगी, जिसके चलते उनकी स्थिति नाजुक थी। विद्युत पोल के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के बाद भी घटनास्थल पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने अपने अपने वाहनों से घायलों को राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों जवानों को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि गोवर्धनपुरा निवासी 30 वर्षीय हनुमान सैनी एवं सरवाड़ निवासी 22 वर्षीय ललित गहलोत की मौत हो गई। हादसे की सूचना समूचे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके चलते घटनास्थल और अस्पताल में सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के PMO डॉक्टर नवीन जांगीर ने आपातकालीन इकाई में चिकित्सकों की विशेष टीम तैनात कर दी, ताकि घायलों का तत्काल इलाज किया जा सके, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों जवानों ने दम तोड़ दिया। अगर एम्बुलेंस समय पर आ जाती तो शायद दो लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। हादसे की सूचना जब मृतकों के परिजनों को दी तो परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं गांव में मातमी माहौल हो गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ललित गहलोत एवं हनुमान सैनी की मौत हो गई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो अपने साथियों के साथ विद्युत विभाग से चाय पी कर रवाना हुए थे।